Assalamualaikum guys, welcome back. This is Dr. Hadi here. आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर डेवलपमेंट से. टॉपिक है ट्रिमिस्टर. ट्रिमिस्टर क्या है या इन ट्रिमिस्टर के दौरान डेवलपमेंट किस तरह से होती है. ज़ाहिर है प्रेगनेंसी का भी ये टॉपिक है. जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चा माँ के पेट के अंदर किन किन स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, वो टोटल टाइम कितना है जिसमें बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, और उन तमाम का तमाम जो टाइम है प्रेगनेंसी का, उसमें कौन कौन से डिविजन्स हैं, उनको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, वो सब आपको बताएंगे, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी आज आपको बताएंगे. तो यहाँ पर टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर. एक तो मैं आपको ट्राइमेस्टर बताऊँगा कि ट्राइमेस्टर क्या है. ट्राई मीन थ्री. दरअसल किसी भी चीज़ के थ्री, सेट ऑफ थ्री इज कॉल्ड ट्राई, ट्राइमेस्टर. अब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर नौ महीने रहता है, नौ महीने. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मंथ्स है. हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पहले 3 मंथ्स जो है ये हमारे पास पहला ट्रिमिस्टर है, पहला फर्स्ट ट्रिमिस्टर. ये उसके बाद जो 3 महीने है यानी चौथा, पांचवा, छठा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मंथ, वो हमारे पास है सेकेंड सेमेस्टर. और सातवां, आठवां, नौवां ये हमारे पास है थर्ड सेमेस्टर. ये 9 महीने है जिसमें बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है. अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको मैं दोबारा मिटाऊँगा, ठीक है. ईच 3 मंथ इज कॉल्ड अ ट्रिमिस्टर. यहाँ पर एक और लफ्ज़ है, जेस्टेशन पीरियड भी लिखा हुआ है. जेस्टेशन पीरियड मतलब वो दौरानिया जिसमें जायगोट माँ के पेट के अंदर अपने आप को इम्प्लांट करे. इम्प्लांट करने से लेकर डिलीवरी तक, यानी बच्चा जब बाहर इस दुनिया में आ जाता है, वो जो टोटल दौरानिया है इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. अच्छा, तो देखते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी पहले 3 महीने यानी पहले 12 हफ्ते. ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी आते हैं, हम महीने याद करते हैं, उधर वीक्स आ जाते हैं, हफ्ते आ जाते हैं. तो हफ्ते भी इजी आपके लिए, अगर 3 महीने हैं तो फिर 12 हफ्ते हो जाएंगे, 12 वीक्स भी अंदर. यहाँ पर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो है. इसमें वो तमाम के तमाम स्टेजेस शामिल है जो मैंने आपको बताए थे. अब बोलेंगे वो कौन से थे, वो तमाम के तमाम जब मैंने आपको डेवलपमेंट में बताए थे, यानी क्लीवेज, यानी इसके अंदर सब के सब क्या क्या आ जाएंगे. क्लीवेज, हाँ क्लीवेज आ जाएगा. जब जायगोट अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा, क्लीवेज है. अच्छा, क्लीवेज के बाद फिर क्या है, मोरोला है, ब्लास्टोला है. मैं रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. या आप इसको इधर स्टॉप करके आप चले जाएं वहाँ पर, डेवलपमेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन डेवलपमेंट आप कह सकते हैं. क्लीवेज के बाद ये सारे के सारे स्टेजेस है, ब्लास्टोला है, और फिर गैस्ट्रोलेशन है. यानी इस एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ. यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये दिस इज द डायग्राम. ओके, यूटेरस का डायग्राम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है. यूटेरस का डायग्राम है. यहाँ से हम एक पाइप निकाल लेते हैं, ट्यूब निकाल लेते हैं. यहाँ से भी एक ट्यूब है, ठीक है. तो आपको पता है कि अंडा और स्पर्म की मुलाकात यहाँ पर होगी, ठीक है. यहाँ पर उसकी मुलाकात होगी, अंडा प्लस स्पर्म, ये आ जाएगा. इधर क्या बनेगा, जायगोट इधर बनेगा, ठीक है. जायगोट इधर बनेगा, ZY, जायगोट. जायगोट क्या है, सिंगल सेल है. ये जायगोट ने अपने आप को नीचे उतार कर, ये जो दीवार है ना यूटेरस का, बच्चेदानी, इसको इसका जो दीवार है ना, वॉल, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है. इसका नाम है एंडोमेट्रियम. ये मस्कुलर वॉल है, ठीक है, ये मस्कुलर है. तो ये जो जायगोट है ये अपने आप को यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसप्लांट कर देगा, इसको इम्प्लांट कर देगा. ये यहाँ पर अपने आप को अटैच कर देगा. यहाँ पर क्लीवेज सेल 2 हो जाएंगे, डिवीजन 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, क्लीवेज भी यहाँ पर होता जाएगा. ब्लास्टोला यानी इसके अंदर कैविटी भी इधर आ जाएगी. फिर इसके आसपास 3 लेयर्स पैदा हो जाएंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वो भी यहाँ पर पैदा हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे. अच्छा, यानी जो 3 लेयर्स हमने पढ़े थे वो सब के सब इधर इसके अंदर बन जाने के बाद, जो ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसमें
बच्चे के अंदर दिमाग बनना शुरू हो जाएगा, वो सब के सब यहाँ पर पहले ट्रिमेस्टर में आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें, फर्टिलाइजेशन इसमें है, शामिल है फर्टिलाइजेशन यानी एंडोस्पर्म का मिल जाना। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इम्प्लांटेशन यानी यहाँ पर इसका इम्प्लांट होना, जायगोट यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एक नया टॉपिक है, ये बिल्कुल भी नहीं पड़ता। एक वो तीन पर्दे हैं जो गेस्टेशन के दौरान पैदा हो जाते हैं। एक जब ये यहाँ पर इम्प्लांट करेगा, गेस्टुलेशन हो गया, एक्टोडर्म मेसोडर्म बन गया, इसके आसपास और पर्दे बनेंगे, ठीक है, इसके आसपास और पर्दे बनेंगे। ये जो मजीद पर्दे हैं, चूंकि ये पर्दे उस बच्चे के अंदर नहीं बन रहे हैं ना, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्टोडर्म मेसोडर्म, वो तो अंदर बन रहे थे, ये पर्दे उस बच्चे के आसपास बाहर से बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, क्या नाम रखा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर बन जाएंगे। अब इसका इनका नाम क्या है, ये इसका जो सबसे बाहर है दैट इज कोरियोन, कोरियोन, कोरियोन बाहर एक पर्दा है, फिर एमनियोन, एक और पर्दा है जो यहाँ पर मैं शो नहीं कर सकता, एलेंटाइन, जरूरत ही नहीं है आज इसके, एलेंटाइन, ठीक है, एलेंटाइन, और एक और चीज़ भी है योक्सेक, योक्सेक, इसमें खुराक पड़ा रहता है। तो बच्चे के आसपास ये चार चीजें बनेंगी, कोरियोन, एमनियोन, एलेंटोइन, योक्सिक, चार पर्दे हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये कोरियोन है, ये जो सबसे बाहर वाला है, हालांकि एमनियोन जो है ये वो पर्दा है जिसने इस बच्चे के आसपास अपने आप को लपेट लिया हुआ है, एमनियोन का। इसका जो बाहर वाला कोरियोन है, कोरियोन का मैं आपको रोल बताऊंगा कि ये प्लेसेंटा बनाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है, और प्लेसेंटा पर एक टॉपिक आ जाएगा, प्लेसेंटा किस तरह बनता है, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब के सब इधर आ जाएगा। तो ये तीन पर्दे इधर बन जाएंगे, राइट, ये आ गया। अच्छा, प्लेसेंटा, यस यस, प्लेसेंटा भी यहाँ पर बनेगा। मैं इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाऊंगा, एक और डायग्राम लिखने की, अगर मैं दोबारा से ये जो वॉल है, यूटरस का दीवार, अगर मैं दोबारा लिख दूँ, ये यूटरस का दीवार है, तो यहाँ पर इस तरह से प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है, प्लेसेंटा का एक टिश्यू यहाँ पर बनेगा। जाहिर है इसके साथ जो है यहाँ पर आपका छोटा सा जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, वो यहाँ पर पड़ा होगा। अब ये बच्चे और प्लेसेंटा के दरमियान एक छोटा सा ट्यूब भी बनेगा, डक, जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। सो ये वाला जो है, जो बिल्कुल एंडोमेट्रियम के साथ अटैच है इस वक्त, ये आपका एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है, इसके साथ क्या अटैच है, प्लेसेंटा अटैच है, प्लेसेंटा और बच्चे के दरमियान फिर एक ट्यूब है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होगा कि प्लेसेंटा से खुराक बच्चे के जिस्म के अंदर आएगा, और बच्चे के जिस्म से जो कचरा बनेगा वो इसी ट्यूब के जरिए इस प्लेसेंटा में फिर माँ के जिस्म में चला जाएगा। तो ये स्टेज भी आ गया प्लेसेंटा। ऑर्गेनोजेनेसिस, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑर्गेनोजेनेसिस में बॉडी पार्ट्स का बनना शुरू हो जाएगा, दिल का बनना शुरू हो जाएगा, ब्रेन का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉडी पार्ट्स अंदर से वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेज है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। दूसरा ट्राइमेस्टर में क्या होगा, इसमें जो बच्चा हो, अच्छा, ओके ओके, वन मिनट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चीज़ें डिसअपेयर होंगी, क्या चीज़ें अपीयर होंगी, क्या चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जो बच्चा यहाँ पर यूटरस के अंदर पड़ा होता है, स्टार्ट में उसका हेड काफ़ी बड़ा होता है उसके जिस्म के मुकाबले में, हेड बड़ा होता है जिस्म के मुकाबले में, और यहाँ पर टेल की तरह, दुम की तरह एक स्ट्रक्चर भी होता है, टेल की तरह, स्टार्ट में बिल्कुल शुरू में बहुत ही छोटा सा, इंचज़ में उसका साइज़ होता है, बहुत छोटा सा। तो इस स्टेज में, इसकी स्टेज के लास्ट में क्या होगा कि ये जो दुम की तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये गायब हो जाएगा, टेल, सो डिसअपियर क्या होगा, टेल डिसअपियर होगा। अब इसके अंदर जो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक इंसान की तरह कोई स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इंसान की तरह स्ट्रक्चर है, तो आस्ते आस्ते इसमें चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स अंदर की नहीं है, अंदर की दुनिया तो काफ़ी बन गई ना, एक अंदर स्ट्रक्चर से, जैसे मैंने कहा था स्केलेटल सिस्टम है, जिल्द वगैरह, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन वगैरह है, वो सारे कैसे तो बन रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ आपको आर्म्स और लेग जो है बनना शुरू हो जाएंगे इस स्टेज में। और मेजर इंटरनल ऑर्गन्स, जहर ऑर्गेनोजेनेसिस में हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है, लंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, किडनी वगैरह है, ये सब के सब इसमें आ गए। सेक्सेस, ये जो बच्चा है इसने मेल होना है कि फीमेल होना है,
ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मुकम्मल नहीं होगा, यानी पहले सेमेस्टर में पता नहीं चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन इसकी जो डिफरेंशिएशन है कि अब ये मेल की तरफ जाना शुरू करेगा या फीमेल की तरफ जाना, वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अगले ट्रिमेस्टर में वो बिल्कुल एक इंसान की तरह होगा, बहुत छोटा होगा, यानी जाहिर है उसके उसके हाथ होंगे, हाथ बन गए होंगे, लेग होंगे, ठीक है, उसके कान भी होंगे, ठीक है, उसका पूरा जिस्म, मतलब हेड जो होगा उसका साइज इतना बड़ा अब नहीं होगा, हेड जो है वो छोटा हुआ होगा इस वक्त, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चा अपना हाथ, अपना हाथ अब आ गया ना, हाथ आके उसको कंबाइन करके फिर उसमें से ये जो थंब है उसको चूसना शुरू करेगा, ठीक है। और इसी स्टेज में हड्डियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। याद रखिए पहले ट्रिमेस्टर में बच्चे के अंदर हड्डियां नहीं थी, कार्टिलेज थी, नाजुक हड्डियां जिसको बोलते हैं, कार्टिलेज थी, कार्टिलेज। सो कार्टिलेज यहां पर मौजूद थी, कार्टिलेज को रिप्लेस करेंगे बोन, इस स्टेज में बोन बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और जो बच्चा होगा माँ के पेट के अंदर, अब जिस जब मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लूंगा कुछ इस तरह से। अगर आपको लेट सपोज हम कहते हैं कि बच्चा जो है उसको थोड़ा आप देख सकते हैं, हाथ है, पैर है, इंसान की तरह बच्चा है, ठीक है। अब ये बन गया है, अब ये क्या करेगा, ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा, मूवमेंट माँ के पेट के अंदर ये मूव करेगा, ठीक है, यहाँ वहाँ अपना जो है वो खास एक खास अंदाज में। और ये जो मूवमेंट है ये माँ भी फील कर सकती है, ये पेट के अंदर जो है बड़ा शौक बच्चा है इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी मूवमेंट आ गई, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ देखें सेकेंड सेमेस्टर कौन कौन सा वीक है, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ, ना। तो जो फिफ्थ मंथ है, फिफ्थ मंथ, अभी हफ्ते के हिसाब से अगर आप वो कर ले तो ये 13वां 14वां हफ्ता वो आ जाएगा, ठीक है, 15वां 16वां। इसमें बच्चे के दिल की धड़कनें स्टेथोस्कोप से सुनाई दे सकती हैं, इसकी दिल की धड़कनें। इसके जो आई लेड है ना, आमतौर पर फर्स्ट सेमेस्टर में बंद थे, इसमें इसकी आई लेड खुल जाएंगे, आई लेड की खुल जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में नहीं, ट्रेमेस्टर में। अच्छा, आई लेड एंड लैशेज ये खुल जाएंगे किसमें, सिक्स्थ, जो छठा महीना है उसमें ये खुल जाएंगे। अब छठा महीना जो है वो आपका कितने वीक्स हो गए, 24 वीक, ठीक है, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। एयर एंड हेयरिंग ये बड़ा स्पेशल है, बच्चे का बच्चे के दो जो ब्रेन है और बच्चे के जो कान है, ये आपका बच्चे का ब्रेन है, ब्रेन से कनेक्शन कान की तरफ आ जाएंगे, ब्रेन से कनेक्शन कान की तरफ। मैं आपको जस्ट आसानी के लिए बता रहा बोलूँगी ये क्या मूछे लिख रहे हैं, दिमाग का जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स, वो बच्चे के कान, कान तो बनेंगे, बच्चे के कान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चे को सुनाई देना शुरू हो जाएगा। इस सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे को सुनाई सुन, वो सुनने के काबिल हो जाएगा, बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सुन रहा होगा आपको, ठीक है, क्या चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि इस स्टेज में बड़ा एहतियात करना पड़ता है, वो जो है उसके उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे इखलाक वाली बातें करनी चाहिए, कोई दो नंबर बातें, झूठ बोलना या कोई दूसरे को गाली गलौज चीज़ के सामने नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया एयर एंड हेयरिंग। इस स्टेज में बच्चे का जो सेक्स है, मतलब वो अगर फीमेल है तो मुकम्मल तौर पर वो फीमेल बन गई होगी, और अगर वो मेल है तो मुकम्मल तौर पर मेल होगा, अल्ट्रासाउंड करते वक्त पता चल जाएगा कि बच्चा मेल है या फीमेल है। तो सेकंड ट्रिमेस्टर में पता चल जाएगा बच्चा मेल है या फीमेल है, पहले ट्रिमेस्टर में पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड ट्रिमेस्टर की तरफ। जितना बंदोबस्त पहले और दूसरे ट्रिमेस्टर में हुआ था, डेवलपमेंट हो रही थी, क्या मतलब डेवलपमेंट का, बच्चे का वजन इतना नहीं बढ़ रहा था, थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, लेकिन सारा खर्चा किस पे हो रहा था, कान बने, स्टमक बने, दिल बना, ब्रेन बना, चीज़ें बन रही थी, वजन में इजाफा नहीं हो रहा था, चीज़ें बन रही थी, डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। यही तो फर्क है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। स्टार्ट में ग्रोथ तो हो रही है, माइटोसिस हो रही है, ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है, नई नई चीज़ें बन रही हैं जिस्म के अंदर, लेकिन इस ट्रिमेस्टर में डेवलपमेंट इतना नहीं होता,
क्योंकि जो भी ज़रूरत की चीज़ें जिस्म में थी वो आ गई, जिल्द आ गया, हड्डियाँ आ गई, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, सब कुछ आ गया, बच्चे बिल्कुल रेडी है। अब बच्चे ने ग्रो करना है। इस ये बड़ा एनर्जेटिक फेज होता है। यहाँ पर माँ के जिस्म पर बहुत लोड आएगा। माँ पहले से भी खुराक दे रही थी बच्चे को अपने खून के जरिए, वो मैं आपको प्लेसेंटा में बता दूंगा, अपने अगली वीडियो में देखेंगे प्लेसेंटा जब आ जाएगा, बड़ा स्पेशल टॉपिक होगा। माँ इस स्टेज में सातवां महीना, आठवां महीना, नवां महीना, इसमें बहुत ज़्यादा खुराक का ख्याल रखेगी, अच्छा अच्छा खुराक लेगी ताकि बच्चे को खुराक मिले। बच्चे ने अब उसने ग्रो करना है, इसमें उसका वज़न बढ़ जाएगा, वज़न पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगा, उसका हेड काफ़ी छोटा हो जाएगा जिस्म के मुकाबले में। पहले तो बड़ा हेड था, जिस्म बड़ा छोटा था, अब नॉर्मल हेड साइज़ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रखेगा, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ रादर देन डेवलपमेंट। ये ग्रोथ उसमें होती है, माइटोसिस होता है, बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर उसके वज़न, उसका वज़न बढ़ जाएगा। मुख्तलिफ बुक में 4 to 6 pounds, कभी कहते हैं 7 pounds, किसी में कहते हैं 4 pounds, ठीक है, इतना मतलब 2 kg, 3 kg, इतना वज़न। तो बच्चे भी वेरिएबल, कुछ हेल्दी होते, कुछ बहुत हेल्दी नहीं होते, उसके वो बच्चों का वज़न एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए दुनिया में जो भी बच्चे आते हैं सबका एक तरह का वज़न नहीं, किसी का वज़न कम, किसी का ज़्यादा। यहाँ पर बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का जो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें जो एक बड़ा स्पेशल ये है कि जो बच्चा है वो रोटेट करेगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चे का जो हेड है वो ऊपर की तरफ है। अगर मैं बताऊँ ना, दिस ये विजाइना है, ये कौन सा, ये है विजाइना, यहाँ से उसने बच्चे ने बाहर आना होता है। बच्चा अपने आप को रोटेट करेगा ऐसे, अपने आप को बच्चा अपने आप को रोटेट करेगा ताकि, अच्छा मेरा डायग्राम कुछ खास नहीं बन रहा है, ठीक है, बच्चे का जो हेड है, बच्चे का जो, लेकिन आपको आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा, बच्चे का जो हेड है वो इसकी तरफ हो जाएगी, उसकी विजाइना की तरफ हो जाएगी। अगर ये बच्चा जब अपने को रोटेट करेगा, हेड जो है वो विजाइना की तरफ आ जाएगी। ये एक सक्सेसफुल डिलीवरी की वो निशानी है। इससे जो है बड़े आराम से बच्चा जो है इस दुनिया में आ जाएगा। वरना कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि उसका टांग जो है वो बाहर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है, मसला हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया टुवर्ड्स द सर्विक्स। अब टॉपिक हुआ ख़त्म भाई, पहला सेमेस्टर में, पहला ट्रिमेस्टर में क्या हुआ, दूसरे ट्रिमेस्टर में क्या होगा, थर्ड ट्रिमेस्टर में, कभी सब आपको बताया गया। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, एग्जामिनेशन वाइज तो हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। मैं एक वो करना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे थे, आप जब यहाँ पे थे, मैं, आप सब जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, हम और आप, क्या आपको क्या लगता है कि आप स्टेज से नहीं गुजरे हुए, सिर्फ बच्चा ही स्टेज से गुजर रहा है, किसी को फील नहीं होता कि मैं भी स्टेज से गुजरा हुआ हूँ। एक बार आप तस्वीर कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए कि मैं भी स्टेज से गुजरा हुआ हूँ। देखिए, इस आप यहाँ पर हैं, आपने किसी के साथ कोई वो प्रोजेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि मैं दुनिया में आ रहा हूँ, ठीक है, मैं, वो मैं वाला लफ्ज़ नहीं है, मैं, मुझे तो याद नहीं था कि मैं माँ के पेट के अंदर जो है बच्चा ग्रो कर रहा है। हालांकि ठीक है, माँ तकलीफ़ उठा रही है, माँ हमारे लिए तकलीफ़ उठा रही है, माँ को भी नहीं पता कि बच्चे के जिस्म में इस वक्त क्या बन रहा है। माँ से पूछे कि माँ, जब मैं आपके पेट के अंदर था मेरा दिल कब बना था, बताए, बच्चा मुझे नहीं पता। माँ से पूछे मुझे खुराक कौन दे रहा था, बताए, मुझे नहीं पता। माँ तो, मैं तो खा रही थी, मुझे नहीं पता। माँ को भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता, इसको कौन बना रहा है, ये क्या, ये हो सकता है, ये ऐसे हादसा तो पर कोई फालतू चीज़ बनना होता है, इसके पीछे कोई ताकत है, कोई हस्ती है, इसको मैं अल्लाह ताला बोलते हैं, क्रिएटर है, वो बना रहा है। कितने खूबसूरत अंदाज से आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जो इस दुनिया के अंदर आप आ रहे हो, कितने, साइंस अभी तक पहुँची नहीं इसको स्टडी करने में, प्रॉपर स्टडी करने में, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। हैरान हैरान करने वाली बात यह है कि ये बच्चा इतने स्टेजेस से गुजर गुजर बेचारा खुद किसका मोहताज है, अपना अपना हाथ पे कुछ कर ही नहीं सकता, ना ये अपना हाथ बना सकता है, इसका हाथ कोई और बना रहा है, इसको पता ही नहीं है। ये तो माँ से खून चूस चूस करके ग्रो कर रहा है, फिर जब दुनिया में जैसे आ जाता है ये रोना शुरू कर लेता है और सांस खुद से फिर लेना शुरू कर लेता है। बच्चा माँ बाप से चीज़ें लेते लेते, ये दे दो वो दे दो, बड़ा बड़ा होके जब ये मुकम्मल तौर पर बड़ा हो जाता है ना, जवान हो जाता है ना, तो ये बदमाशी पे आ जाता है, मैं आई आई मैं, तुम क्या चीज़ हो, ये क्या चीज़ है, वो ज़मीन पे जा रहे थे उसको पता ही नहीं होता यार तुम्हारी हैसियत क्या है, कहाँ से आए हो, किस की चीज़, किस पर्पज़ के लिए तुम आए हो। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि दुनिया के जिस स्टेज पर भी हो ना, आपकी हैसियत ये है, आप
आप अपने साथ मैं वाला लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ ना करें, मैं ये गुरूर और तकबुर जो है ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप एक इंसान की तरह रहिए, आप जिस जगह से आए हुए हैं, इस दुनिया में आए हुए हैं, खाओगे पियोगे, मकसद पूरा किया या नहीं किया, आपने अपना मकसद जाना या नहीं जाना, आपने वापस जाना है, वापस जाना है, आपका जिस्म नहीं मिट्टी होना है। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आप को पहचानने के लिए ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचना शुरू करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसमें प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लोगों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।